गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 घातांक। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट किया था, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका है निम्न को सरल कीजिए, जिसे मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ले रही हूँ। 4/5 पूरे के घात में 4 गुणा 5/4 पूरे के घात में 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर परिमेय संख्या है 4/5 और इधर है 5/4। देखिए यहाँ पर 4/5 है और यहाँ पर 5/4, संख्या आपकी वही है लेकिन क्या है, अलग अलग है। 4 आपका यहाँ पर अंश में है, यहाँ पर 4 हर में है, ठीक है। यहाँ पर 5 हर में है, यहाँ पर अंश में है, संख्या तो लेकिन वही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के आधार को हम बराबर करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है फॉर्मूला x के घात में m गुणा x के घात में n, ये हमने पढ़ा है ना, क्या x के घात में m गुणा x के घात में n। तो यहाँ पर जो हमारा आधार होता है वो सेम होता है, दोनों जगह हमारा क्या आना चाहिए, x x होना चाहिए, हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो इसे हम पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे। जब भी हम हल करते हैं पहले प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a by b पावर में m है। तो यहाँ पर जब हम संख्या को पलटेंगे, यानी कि अंश जो है वो हर में जाएगा और जो हर है वो अंश में जाएगा, तो इसके जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, घात ऋण में हो जाएगा, ठीक है। जब हम संख्या को पलट देंगे तो ये जो घात हमारा धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 4/5 के घात में 4 है गुणा, जब हम इसको बदल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला में इसके लिए यूज कर रही हूँ, तो a बटे बी है तो यहाँ पर संख्या बी बटे ए हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और घात आपका धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी घात आपका धनात्मक है यानी कि धन 2 है तो क्या आ जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखो कि अब दोनों आधार क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। तब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x के घात में m गुणा x के घात में n वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना था, कौन सा, a बटे बी घात में m बराबर b बटे a घात में -m, ठीक है। जब आप अंश बटे हर को बदलोगे तो घात भी बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x पावर m गुणा x के पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n, दोनों हमारा आधार x बराबर होना चाहिए, x हमारा बराबर है, m का मान 4 है, n का मान -2। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको क्लियर समझाया था कि m कब लेना है और n कौन सा होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो घात होता है वो m का मान है, सेकंड वाला जो घात होता है वो n का मान होता है, ठीक है, आधार तो आपका सेम है। तो इस तरह से मान रखेंगे, तो x यहाँ पर क्या है, 4/5 है, पूरे के घात में क्या हो जाएगा, m, m हमारा क्या है, 4 है, तो ये हो गया 4। फिर बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो हम प्लस ही लगाएंगे। n का मान देखेंगे तो n का मान क्या है, -2 है, तो इस तरह से हम -2 लगाएंगे। अब देखो दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आया आपको, ये x x x x, तो x का मान क्या है, 4/5, तो 4/5 लिखा, m का मान 4 था, 4 लिखा, फॉर्मूले के हिसाब से आपका प्लस साइन आता है तो आपको प्लस लगाना था, लेकिन n का मान क्या है, -2 है, तो आप -2 लिखोगे, ठीक है, दो साइन कभी भी नहीं लिखेंगे इसलिए हम ब्रैकेट का निशान लगाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 4/5 यहाँ पर ब्रैकेट यानी होता है गुणा, ठीक है, आपको गुणा करना है दो साइन का, प्लस और माइनस। तो आपने सीखा है पूर्णांक में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तब आप कैसे लिखोगे, 4/5
चार में से दो घटेगा तो दो। ठीक, अब आपको इसको घातांक रूप में नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सरल करना है, हल करना है। तब आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, a बाई बी होल दी पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, जब हमारा आधार अलग अलग है और घात एक है तब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग घात में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, चार के घात में दो आ जाएगा और पांच के घात में भी दो आएगा, क्योंकि चार और पांच पूरे के घात में दो था। ठीक, तो चार के घात में दो यानी कि चार को कितने बार गुणा करना है, दो बार, और पांच के घात में दो यानी कि पांच को दो बार। तो चार चौक हो गए 16 और पचम 25। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको क्या करना था, शुरुआत से देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बीच में गुणा था, तो ये आपका x है, ये आपका x होना चाहिए और ये m है और ये n है। ठीक है, लेकिन हमारा दोनों आधार क्या क्या था, अलग अलग था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक जैसा बनाने की कोशिश की। तो कोशिश करने के लिए हमको इसमें फॉर्मूला पुट करना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि यदि हमारा a बाई बी के घात में m है तो ये जब हम उसको पलट देते हैं तो घात हमारा चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमने वही किया, 4/5 में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इसलिए हमने इसको वैसे ही लिखा, गुणा था तो गुणा ही लगाया है, बस यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, a बटे b था तो b बटे a होना था, तो 5/4 है तो 4/5 हो गया, घात हमारा धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा, तो घात हमारा धन होता तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दोनों जो आधार है वो सेम हो चुका है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे, x घात में m गुणा x घात में n बराबर x घात में m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आधार x है, तो यहाँ पर आधार हमारा 4/5 है, तो 4/5 लिखा, m और n का मान यहाँ पर हमने पुट किया, तो यहाँ पर दो साइन आ रहे थे, दो साइन को आपको हटाना है किसी एक साइन में, तो यहाँ पर पूर्णांक के फॉर्मूले से हम गुणा किया हमने, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो चार में दो घटा तो दो आया, फिर यहाँ पर 4/5 पूरे के घात में दो है, चूंकि हमको इसको सरल करना है तो इसलिए हमने फिर से एक फॉर्मूला लगाया कि यदि a बटे b पूरे के घात में m है तो इसको हम अलग अलग घात में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो घात है वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 और 5 के घात दोनों के घात में दो दो लिखा है, क्योंकि हमारा घात दो था, तो 4 को दो बार गुणा किया और 5 को दो बार गुणा करने से 16/25 आया, तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर कम्प्लीट होता है। बाकी क्वेश्चनों को भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब मैंने इसी में ही फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिया, आप बोलोगे पहले सेकंड बताया फिर फर्स्ट बताया, देखिए वहां पर जो हमारा आधार था उसमें भले ही ऊपर नीचे दिया हुआ था लेकिन आपका अंक सेम था, है ना, यहाँ पर हमारा अंक देखिए अलग अलग है, यहाँ पर 2/7 है और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 2/7 घात में 3 गुणा 1/2 घात में 3, इस तरह से क्वेश्चन है आपका। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हमको अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a by b होल द पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, इस तरह से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारा आधार अलग अलग है। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 / 7/3 हम घात अलग अलग लिखेंगे गुणा 1/3 / 2/3 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर भी 2/3 है, है ना, तो आप यह चाहे तो यहाँ पर इसको कैंसल भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों सेम है, या फिर आप इसको गुणा 2 को 3 बार गुणा करके 8 लिखोगे, है ना, तो भी आपका क्या आ जाएगा, 8/8 कैंसल हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, 2/3 / 2/3 गुणा 1/7/3। देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, जैसे 2 × 3 है या 3 × 2 है, दोनों का मान आपका क्या होता है, सेम होता है ना, तो यहाँ पर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ये 7 × 2 है ना, तो इसको आप 2 × 7 लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने 2 को सामने लिखा और 7 को पीछे लिख दिया,
ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, देखो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो जो हमारा आधार है वो क्या हो गया, सेम हो गया है ना, भाग वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये बटे यानी भाग होता है। आधार हमारा समान है और घात अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर घात अलग अलग हो या सेम हो इससे आपको मतलब नहीं, लेकिन आपका आधार जो है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये ए के घात में एम बटे बी के घात में एम बराबर सॉरी ए के घात में एम बटे ए के घात में एन क्या हो जाएगा, ए के घात में एम माइनस एन, जो हमने भाग वाला फॉर्मूला लगाया था, एक्स के घात में एम बटे एक्स के घात में एन बराबर एक्स घात में एम माइनस एन, ठीक है। ए रहे चाहे एक्स रहे आप बना सकते हो। तो ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह हमारा मान है दो के घात में, एम भी हमारा तीन है और एन भी हमारा तीन है, लेकिन साइन क्या है माइनस का, ठीक है। तो एक बटे सात के घात में तीन हो गया। तो इस तरह से हम यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो के घात में जीरो गुणा एक बटे सात के घात में तीन। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आया था हमारा, दो के घात में जीरो गुणा एक बटे सात के घात में तीन, ठीक है। इस तरह से आया था। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि क्या होता है, एक्स के घात में यदि जीरो हो जाता है तो उसका डायरेक्ट मान एक होता है। तो यहाँ पर दो के घात में जीरो है तो इसका डायरेक्ट मान एक हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वन बाय सेवन पावर थ्री, ठीक है। सात के घात में तीन यानी कि सात को कितनी बार गुणा करना है, तीन बार, एक एक कम एक बटे सात के घात में तीन। तो एक बटे सात को आपको कितने बार गुणा करना है, तीन बार गुणा करना है, ठीक है। यानी कि सात का घन कितना हो जाएगा, सात का घन सती सती उनचास, उनचास को आपको एक बार और सात से गुणा करना है। तो गुणा करिए, बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 393, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होगा।